दिन के 11:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुदेशा हूँ। गला घोटती हवा वाकई हत्यारी बनती जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दो जगह अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वजह रैश ड्राइविंग नहीं है बल्कि धुंध थी, जिसकी वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे की और हरियाणा के रोहतक के NH10 की। दोनों जगहों की कहानी एक जैसी है। दिवाली के बाद से फैली धुंध ने लोगों का सड़क पर चलना भी मुहाल कर दिया है। प्रदूषण को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में भी तकलीफ है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही है, इसकी वजह से आज ये दो हादसे हो गए। तो क्या है इस जहरीली धुंध की वजह? कौन कौन है प्रदूषण भरने का जिम्मेदार? दिवाली तो गई लेकिन दम घोटने वाला धुआं ही धुआं छोड़ गई। इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं देश के करोड़ों लोग। हर साल देश में 6 लाख बच्चों की जान ले रहा है एयर पॉल्यूशन। आंखों से दिखाई देना बंद आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, हमारे छोटे बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। हर 2.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत वायु प्रदूषण से होती है, लेकिन यह हथियारी हवा खुलेआम बेरोकटोक बह रही है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 10 भारत के हैं। तो आईज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग सी भी हो रही है और जलन मचती है ना, ऐसा टाइप में हो रहा है। हर साल भारत में 13 लाख लोग चढ़ रहे हैं प्रदूषण की बलि। तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और मेरे आंखों में भी जलन सी महसूस हो रही है। आप पर भारी पड़ रही है आप ही की सांस। 2050 तक हर साल प्रदूषण से 60 लाख लोगों की जान जा सकती है। आपकी सेहत ही नहीं, जेब पर भी भारी पड़ रहा है प्रदूषण का प्रकोप। कहीं आपके शहर पर भी तो नहीं हथियारी हवा का कब्जा? गला घोंटती हथियारी हवा। आज सुबह जब आप घर से बाहर निकले होंगे तो धुंध की चादर देखकर खुश हो रहे होंगे कि गर्मी से आपको निजात मिलने वाला है और दिल्ली में सर्दी का आगाज हो चुका है। लेकिन सफेद धुंध की शुरुआत नहीं, मुसीबतों और बीमारियों की ये शुरुआत है। बुधवार की सुबह दिल्ली का ये आलम है कि लग रहा है कि किसी ने पूरी दिल्ली पर जैसे एक सफेद चादर डाल दी हो। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। लेकिन तेजी से जहरीली होती हवा को देखकर आप कह सकते हैं कि भारत के कण कण में प्रदूषण है। धुंध में लिपटी दिल्ली हैरान है कि ये फॉग है या स्मॉग। अगर आपने भी ये मान लिया है कि ये कोहरा है तो आपको बता दें कि आप जानलेवा स्मॉग की चपेट में हैं। स्मॉग यानी प्रदूषण का वो रूप जो दिखाई देता है। पोल्यूशन जो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा वो जो पंजाब हरियाणा से निकलता था, क्योंकि विंड्स मोस्टली वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टली थी, उत्तर पश्चिम से आ रही थी, तो उसका डिस्पर्शन गांगी क्षेत्र से हो रहा था। लेकिन चूंकि 29 से पैटर्न चेंज हुआ है तो उससे ये हुआ कि एक तो जो पेरोसोल्स है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनके कण, वो उनका एकत्रण हमारे इलाके में NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सर्टेन उत्तरी राजस्थान में हुआ है। दिल्ली को जहरीली हवा ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। हवा में जहर इतना कि अब इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं।
बाइक चलाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ये सुनने में आया कि 40% रिटार्डेशन हुआ है पटाखों के बिकने में, लेकिन फिर भी इतना स्मोक, ये समझ से परे है। पहले जो है हमें परेशान कर रखा था चिकनगुनिया और बुखार ने, अब ये धूल पॉल्यूशन की वजह से हमारे बच्चे और हम बहुत परेशानी में का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह 9 बजे की हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज PM10 का स्तर 999 है, जबकि PM2.5 का स्तर 783 दर्ज किया गया, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो बेहद खतरनाक। आलम ये कि पड़ोसी राज्यों से आए सैलानी दिल्ली का यह हाल देख हैरान है। बढ़ते प्रदूषण के साथ ही स्मॉग खतरनाक कैटेगरी में पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषित कण जब काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इनसे पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से स्मॉग छाने लगता है। अभी दिल्ली में इसी तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। इस तरह का प्रदूषण का स्तर तो आज तक शहर के अंदर कभी नहीं देखा गया। अगर 1600 पहुंच गया है तो आप भी समझ सकते हैं, सरकारें भी समझ सकती हैं कि किस तरह से भयानक खतरा है और किस तरह से आज जो हमारी हवा है वो जहर बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं गर्मी के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा दिवाली की आतिशबाजी ने आग में घी का काम किया है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिवाली आई और गई, मगर इमरजेंसी लेवल स्तर पे आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर हवा में खतरे का अलार्म बज चुका है और हमें लगता है कि भारत में वायु प्रदूषण से लड़ी जाने वाली लड़ाई पूरे तन मन और धन के साथ लड़ी जानी चाहिए, ताकि लोगों को कण कण में भगवान के ही दर्शन हो। फिलहाल तो कण कण में मौत के दर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से रूफी जैदी और पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ से नो टू क्रैकर्स कहकर पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश के हर नागरिक को और पूरे सिस्टम को साल के 365 दिन वायु प्रदूषण की फिक्र करनी चाहिए और इसे कम करने के तरीके ढूंढने चाहिए। आपकी छोटी सी कोशिश हवा में घुले जहर से आपका और देश को पर्यावरण से बचा सकती है। आपको कुछ उपाय अगर आप करें तो इससे फायदा होगा। जहां तक हो सके बिना धुएं के चूल्हे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। कम से कम धुएं वाले ईंधन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खुले में जानलेवा धुआं निकलने वाले कचरे को ना जलाएं। साथ ही प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता भी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, खुद को बचाने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलें। इससे हम अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं। कारखाने शहरी क्षेत्र से दूर रखें और साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाना चाहिए। कुछ उपाय हैं जो अगर हम करें तो इससे हमारे पर्यावरण को फायदा होगा। आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए अलग ही थी। प्रदूषण की सफेद चादर दिल्ली की हालत बयां कर रही थी। गौरतलब है कि इस दिवाली के मौके पर दिल्ली में बीते 2 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया। प्रदूषण का आलम यह कि देश की 10 सबसे प्रदूषित जगहों में से 8 दिल्ली NCR की ही हैं। लोगों ने इसे कैसे महसूस किया वो भी सुन लीजिए। तो आईज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसे इचिंग सी भी हो रही है और जलन मचती है ना, ऐसा टाइप में हो रहा है। बहुत समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। बाइक चलाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, ऐसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाता है। ये सुनने में आया कि 40% रिटार्डेशन हुआ है पटाखों के बिकने में, लेकिन फिर भी इतना स्मोक, ये समझ से परे है। तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और मेरी आंखों में भी जलन सी महसूस हो रही है। आंखों से दिखाई देना बंद आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, हमारे छोटे बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। पहले जो है हमें परेशान कर रखा था चिकनगुनिया और बुखार ने, अब ये धूल पॉल्यूशन की वजह से हमारे बच्चे और हम बहुत परेशानी में का सामना कर रहे हैं। चलिए और अब देश के 4 करोड़ कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद PF के पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों को अब उनके रिटायरमेंट से पहले ही या फिर रिटायरमेंट के दिन तक पूरा पैसा मिल जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने रिटायरमेंट के दिन ही PF और पेंशन पेमेंट करने के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया है। इस कदम के बाद करीब 4 करोड़ एक्टिव मेंबर्स को फायदा होगा।